हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेएमडी इंडिया न्यूज 24x7 में। दो दिन पूर्व ग्राम बलदाना स्थित शराब की दुकान से हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा होने का दावा किया है। पुलिस ने चोरी का सामान बरामद करते हुए चार लोगों को हिरासत में लेकर चालान कर दिया। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि ग्राम राहुनंगली निवासी मयंक कुमार गांव बलदाना में शराब की दुकान करता है। दो दिन पूर्व चोरों ने उसकी दुकान से गैस सिलेंडर, सोलर पैनल समेत हजारों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी रिपोर्ट उसने 4 नवंबर को नूरपुर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने शुक्रवार सुबह नहटौर तिराहे के समीप छापेमारी की। इस दौरान चार लोगों को चोरी के सामान, दो सोलर पैनल, एक बड़ा व एक छोटा गैस सिलेंडर और दो बैटरियों के साथ हिरासत में लिया। थाना प्रभारी के अनुसार पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम कैफ पुत्र मोहम्मद अनीस, जहीम पुत्र मोहम्मद गुलाम अहमद, इस्लामुद्दीन उर्फ पीरू पुत्र मोहम्मद अख्तर, समस्त निवासी मोहल्ला हजरत नगर नूरपुर बताए। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया गया है। इस दौरान पुलिस टीम में उपनिरीक्षक सत्येंद्र कुमार नागर, विपिन कुमार, हेड कांस्टेबल अभिजीत सिंह, कांस्टेबल मुकेश मिश्रा, पुष्पेंद्र सिंह व विमल पवार आदि शामिल रहे।